हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में इस बार टेंट और तंबू नहीं लगेंगे। मेला प्रशासन ने कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए एक कदम उठाया है, जिसके तहत मेला क्षेत्र में टेंट और तंबू नहीं लगाए जाएंगे। अखाड़े अपनी छावनी से ही कुंभ मेले के स्नान करेंगे और इस स्थिति में बैरागियों के तीनों अखाड़ों के सामने संकट खड़ा हो गया है, चूंकि तीनों ही अखाड़े कुंभ मेला क्षेत्र में बैरागी कैंप में टेंट और तंबू लगाकर रहते थे, मेले में स्नान करते थे और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधि ने प्रेस वार्ता कर मेला प्रशासन से बैरागियों की छावनी के लिए प्लॉट आवंटन कराने की मांग की है। दिगंबर आणी के मेला प्रभारी बाबा हर्ष योगी ने कहा है कि बैरागी कैंप तीनों बैरागी अखाड़ों की छावनी है और हमेशा से यह हमारा पड़ाव होता रहा है। अगर मेला प्रशासन टेंट और तंबू नहीं लगाने दे रहे तो प्रशासन हमें टीन लगाने के लिए ही प्लॉटों का आवंटन करे। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को माघ मेले की समाप्ति के बाद हमारे खासे यहां पर आ जाएंगे और ऐसे में मेला प्रशासन के सामने उन्हें ठहरने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी मेले की व्यवस्था और आने वाले गंगा स्नानों के लिए व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं को परखा भी है। जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले गंगा स्नान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गंगा घाटों में पुलिस बल पीआरडी होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। स्नान पर्व पर गंगा घाटों में भीड़ का दबाव ज्यादा होने पर श्रद्धालु को सीमित समय में स्नान करने के लिए कहा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। तो डीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण भी किया। गिनती करना है कि आप इस प्रकार का डिप्लॉय करोगे तो कितने लोग, अभी तक जो है 3 स्नान यहां पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो 3 स्नानों में जरूर श्रद्धालुओं का संख्या तो कम रहा है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये एनफोर्समेंट भी वैसे तो संतोषजनक रहा है, मगर उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक घाट में जो है पीआरडी और जो पुलिस और होमगार्ड्स और वॉलेंटियर्स को जो है लगाने के लिए निर्णय लिए थे, तो आज एक डिप्लॉयमेंट प्लान का पूरा ड्रेस रिहर्सल करके देख रहे थे। तो उसमें जो एक्टिविटी है, भविष्य में जो बड़े बड़े स्नान आने वाले हैं उन दिनों पर जो है वो बहुत संतोषजनक ढंग से हम लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको सुनिश्चित करा।